अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू शाह किचन। आज बनाने जा रही हूँ चिकन 65। चलिए बनाते हैं। चिकन 65 बनाने के लिए यहाँ 1.5 किलो चिकन ली हूँ। चिकन, नमक, चिली पाउडर, ग्रीन चिली सॉस, रेड चिली सॉस, विनीगर, डार्क सोया सॉस और यहाँ पर दही, टमाटर केचप, अदरक लहसुन का पेस्ट, कटी हरिया धनिया कटा हुआ, ज़ीरा पाउडर, काली मिर्ची पाउडर, यहाँ ज़ीरा और 2 प्याज कटी हुई, कॉर्न पाउडर, मैदा, यहाँ कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, यहाँ फूड कलर, 1 अंडा, 2 नींबू और यहाँ करी पत्ता, लाल मिर्च, सूखी लाल मिर्च, हरी मिर्ची, कटी हुई अदरक और कटा हुआ लहसुन। यहाँ मैं चिकन को छोटे पीस ये साइज़ में ली हूँ। बोनलेस चिकन है ये साइज़ में ही अच्छा लगता है, इसीलिए ये साइज़ ली हूँ। अभी चिकन को हम मैरिनेट कर लेंगे। आज चिकन 65 मैं इसलिए बना रही हूँ, मेरे नवासा नवासी सब खतर से आके हैं ना, आपको तो सबको मालूम है, उनको बहुत पसंद है, इसीलिए मैं आज बना रही हूँ। ये है मेहनाज फातिमा। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मेहनाज फातिमा है, आज मैं नानी के चैनल में आई हूँ। ये खतर में रहती है, ये वहाँ मॉडलर है, ये मेहनाज फातिमा गुड़िया। मेरा इंस्टाग्राम आईडी भी है मॉडल मेहनाज फातिमा, जाके देखिए और लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कीजिए मेरे नानी के चैनल को और मेरे इंस्टाग्राम को भी देखिए जाके, वहाँ पर भी लिखिए शाह किचन से आए हैं करके। ये अब्दुल मन्नान है, मेहनाज फातिमा बात कर रही है ना, इसका भाई है, ये भी खतर से है ये। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद अब्दुल मन्नान है, मैं खतर से हूँ, आज मैं मेरे नानी के चैनल में आया हूँ। आप लोग इनके चैनल पे लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। अब चिकन को मैं मैरिनेट कर लेती हूँ। 1.5 किलो ली हूँ मैं, आप कम चाहे तो इसमें जो मसाले मैं डाल रही हूँ इसमें आप कम कर लेना। यहाँ पर मैं 1.5 स्पून ज़ीरा पाउडर ले रही हूँ, ज़ीरा पाउडर, 1.5 स्पून काली मिर्च पाउडर, 1 स्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1/2 स्पून हल्दी पाउडर और यहाँ 2 टीस्पून मैदा, 2 टीस्पून और यहाँ 1.5 स्पून अदरक और 1.5 स्पून लहसुन का पेस्ट, नमक आप देखकर ले लीजिए, मैं 2 स्पून डाल रही हूँ यहाँ, आप देखकर ले लेना नमक, लाल मिर्च पाउडर 2 स्पून। अब इसको अच्छे से हम मिला लेंगे और इसमें 1 अंडा ले रही हूँ मैं, 1 अंडा। इसको अच्छे से आप मैरिनेट कर लेंगे। बहुत टेस्टी रहता है, आप बनाकर खाकर देखिए, एक बार ट्राई कीजिए, आप ज़रूर से ट्राई कर देखिए, खाकर आप बनाकर खाकर मुझे बताइए कैसा लगा आपको। यहाँ पर मैं थोड़ा सा फूड कलर लाल ले रही हूँ, ये कबाब को तंदूर को सब लेते हैं, आप लेना चाहिए तो लीजिए, नहीं तो ऐसे ही बना सकते हैं, इसमें कलर अच्छा आना चाहिए इसीलिए मैं डाल रही हूँ। और यहाँ 2 नींबू का रस डाल रही हूँ, 2 नींबू का जूस। अब फिर इसको अच्छे से मैं मिला लेती हूँ, मिलाकर इसको मैं 10 मिनट के लिए ऐसे ही रख देती हूँ, उसके बाद मैं फ्राई कर लेती हूँ, क्योंकि मसाला लगना है, जितना वक्त आप लगाते हैं उतना टेस्टी चिकन बनता है। अच्छे से मैं इसको मिला लेती हूँ, ये अब मैरिनेट करके हो गया है, अब मैं इसको 10 मिनट के लिए ऐसे ही रख देती हूँ, उसके बाद हम इसको फ्राई कर लेंगे। यहाँ स्टोव को गैस को ऑन कर ली हूँ मैं, कढ़ाई को रख ली हूँ, अभी इसमें तेल डाल लेती हूँ, हम चिकन फ्राई कर लेंगे इसमें।
तेल गरम हो चुका है, अभी मैं चिकन के पीसेस को डाल लेती हूँ। चिकन के पीस को एक एक करके डालना, पूरा ऐसे उठा के नहीं डालना है, एक 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 करके आप डाल लेना। ज़रूर से बनाकर ट्राई कर कर देखिए, आप बनाकर बोलिए मुझे बनाकर कैसा लगा आपको, बहुत टेस्टी बनता है ये। और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ज़रूर से कीजिए। थोड़ी देर उसके बाद मैं इसको पलटा लूंगी। ये दूसरी साइड भी मैं इसको पलटा ली हूँ, दो साइड भी पक चुके हैं। और थोड़ा इसको और जो भी और चिकन है उसको मैं ऐसे ही फ्राई कर लेती हूँ, इसको थोड़ा पकाने के बाद निकाल लेती हूँ बाहर। चिकन सारा पक चुका है, अभी मैं इसको भी निकाल लेती हूँ। इसको भी निकाल कर हम ग्रेवी को तैयार कर लेंगे। देखिए कितना अच्छा फ्राई हो गया है चिकन, अभी हम इसी कढ़ाई में ग्रेवी तैयार कर लेंगे। ग्रेवी की तैयारी कर लेंगे, सबसे पहले हम दही लेंगे। यहाँ एक कप भरकर मैं दही ली हूँ, ये 1.5 किलो चिकन है इसीलिए थोड़ा दही ज़्यादा जा रहा है इसमें। दो स्पून ग्रीन चिल्ली सॉस, दो स्पून रेड चिल्ली सॉस, और यहाँ पर 2 स्पून डॉट सोया सॉस। यहाँ 3 टीस्पून जितना विनेगर, थोड़ा सा फूड कलर, तो 1.5 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, 1.5 टीस्पून जीरा पाउडर, और यहाँ पर मैं टमाटो केचप ली हूँ। टमाटो केचप नहीं है तो आप टमाटो सॉस भी ले सकते हैं। और यहाँ पर मैं थोड़ा सा नमक ले रही हूँ, नमक आप देखकर ले लीजिए। इसको अच्छे से मैं मिला लेती हूँ। नमक और मैं यहाँ रेड चिल्ली पाउडर ले रही हूँ, 1 स्पून ले रही हूँ, थोड़ा सा हल्दी पाउडर, और इसको अच्छे से हम मिला लेंगे। यह स्टोव ऑन कर कर कढ़ाई रख ली हूँ, अभी इसमें हम तेल डालेंगे, ग्रेवी बनाना है ना इसीलिए। तेल गर्म हो चुका है, सबसे पहले मैं 1 टीस्पून जीरा ले रही हूँ, खड़ी जीरा है ये। जीरा और करी पत्ता, करी पत्ता इसमें बहुत सारा जाता है। अदरक, कटी हुई अदरक, कटा हुआ लहसुन, थोड़ा इसको हम मिला लेंगे। लहसुन अदरक अच्छे से मिल गया है, अभी मैं इसमें हरी मिर्ची ले रही हूँ और सूखी मिर्ची, इसको भी अच्छे से मिला लेंगे।
यहाँ एक मीडियम साइज की प्याज बारीक कटी हुई ली हूँ मैं, अभी इसको भी हम इसमें डाल लेंगे। प्याज को भी अच्छे से पका लेंगे इसमें। प्याज पक चुकी है, जो दही में मसाले डालकर रखी थी ना, अभी मैं इसको डाल लेती हूँ। फिर से बता रही हूँ, चिकन ज्यादा है इसीलिए मैं मसाले ज्यादा डाली हूँ। आप हाफ किलो चिकन लिए तो इसमें आधा आधा कर लेना, आप मसालों को सब थोड़ा करके डाल लीजिए। यहाँ 1.5 स्पून कॉर्नफ्लोर पाउडर मैंने पानी में डालकर इसको अच्छे से घोल ली हूँ। अभी इसको भी मैं इसमें मिला लेती हूँ, क्योंकि इसमें ग्रेवी में गाढ़ापन आता है इसीलिए ये डालना है। और चिकन में कभी भी आप कॉर्नफ्लोर पाउडर डालने से शाइन भी बहुत अच्छा, ग्रेवी में, कबाब में सब शाइन भी बहुत अच्छे से आता है। ये ग्रेवी गाढ़ी हो गई है इसीलिए मैं अभी इसमें आधा गिलास मैं पानी डाल रही हूँ। आपको ग्रेवी गाढ़ी चाहिए तो गाढ़ी रख लीजिए, नहीं तो आप थोड़ा सा ग्रेवी बना ले सकते हैं पानी डालकर। अब देखिए मैं इतनी गाढ़ी बना ली हूँ, मुझे इतनी बस है। आपको और गाढ़ी चाहिए तो आप बना सकते हैं। मैं इसमें और थोड़ा हरिया धनिया अब डाल रही हूँ इसमें। इसको अच्छे से अब थोड़ा पका लेंगे। एक बार नमक मिर्ची आप देख लीजिए बनाने के वक्त, आप देखकर फिर चाहिए तो आप डाल ले सकते हैं। मैं अपने हिसाब से डाल ली हूँ। ग्रेवी तैयार हो गई है, अभी मैं इसमें 1 स्पून से ज़्यादा बटर डाल रही हूँ। मैं इसमें बटर नहीं लेते हैं, मैं डालती हूँ बटर, इसमें बहुत टेस्ट बनता है इसीलिए। देखिए ग्रेवी तैयार हो गई है, अभी मैं सारे चिकन इसमें डाल लेती हूँ। सच में बहुत टेस्टी बनती है, ज़रूर से बनाइए, बनाकर मुझे बताइए आपको कैसा लगा। माशाल्लाह खुशबू तो इतनी अच्छी आ रही है, उतनी अच्छी आ रही है, ज़रूर से आप ट्राई कीजिए ज़रूर से। देखिए मुझे ग्रेवी इतनी बस है, ग्रेवी आप सूखा चाहे तो और भी सूखा भी बना ले सकते हैं ग्रेवी कम करके। चिकन 65 सूखा भी आता है, मैं आपको वो भी बनाकर बताती हूँ। पाँच मिनट के लिए मैं ऐसे ही ढककर रख देती हूँ, पाँच मिनट के लिए दम पर रखती हूँ। चिकन 65 तैयार हो गई है, आप रोटी के साथ ले सकते हो, आप नान के साथ ले सकते हो, चावल के साथ भी ले सकते हो, बहुत टेस्टी बनता है, ज़रूर से बनाकर खाइए और मुझे बताइए ज़रूर से। देखिए बनकर तैयार हो गई है, अब मैं प्लेट में आपको निकाल कर बताती हूँ। मुझे ग्रेवी चाहिए था इसीलिए थोड़ी ग्रेवी मैं बना ली हूँ, आप और सूखा भी कर सकते हैं। देखिए तैयार हो गई है चिकन 65, माशाल्लाह बहुत टेस्टी, बहुत खुशबू है इसमें। ये देखिए चिकन भी अच्छे से गल चुका है, ये देखिए चिकन भी बहुत अच्छे से गल चुका है। आप ज़रूर से ट्राई कीजिए, मेरे रेसिपी को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।
देखिए बनकर तैयार हो गई, खाकर बताएगी गुड़िया। मेहनाज खाकर बताओ कैसा है टेस्ट। माशाल्लाह बहुत टेस्टी बनाया है नानी, आपका रेसिपी बहुत अच्छे रहते हैं। लाइक सब्सक्राइब भी कीजिए नानी के चैनल को। मनन टेस्ट करके बताओ। वाओ ये तो बहुत अच्छा है, माशाल्लाह आपने बहुत अच्छा बनाया है। थैंक यू मनन, थैंक यू गुड़िया। ये गुड़िया और मनन को बहुत पसंद है इसीलिए मैं आज बनाई हूँ ये। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दुआ में याद रखिए। कल फिर मैं मिलूंगी नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।